दोस्तों अगर आप शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शिखर धवन के नेतृत्व में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और सीरीज जीत जाने के बाद भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के इरादे से अंतिम मुकाबले में खेलने के लिए उतरी और आखिरकार ये अंतिम मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और साथ ही साथ इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी तो वहीं इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शिखर धवन, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वेस्टइंडीज की धरती पर एक और सीरीज जीत चुकी लेकिन क्लीन स्वीप करने के लिए भारतीय टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां विरोधी टीम पहले दो मुकाबलों में बेशक हार गई है लेकिन भारतीय टीम को चैन की सांस भी नहीं लेने दे रही। दरअसल पहले मुकाबले में भारतीय टीम अंतिम गेंद पर 3 रन से जीती तो वेस्टइंडीज ने सोचा कि दूसरे मुकाबले में अवश्य जीत हासिल करेंगे लेकिन दूसरे मुकाबले में अक्षर पटेल ने अपने करिश्माई बल्लेबाजी से अंतिम समय में वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत छीन ली और 2 गेंद पहले छक्के के साथ मुकाबले को समाप्त करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल करी और सीरीज भी जीत ली। लेकिन अब तीसरा मुकाबला बाकी है जहां भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम एक बार फिर अपनी इज्जत को बचाने की सोचेगी क्योंकि इस साल भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है लेकिन वेस्टइंडीज का प्रदर्शन बेकार रहा है जिसमें वेस्टइंडीज अपने लगातार पिछले 8 मुकाबले हार चुकी है जिसमें पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान ने उन्हें क्लीन स्वीप किया तो वहीं भारत ने क्लीन स्वीप करने की राह पर चल पड़ी है। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम इस साल साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज हारी है लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज को अपने घर में क्लीन स्वीप किया तो वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 16 साल से चल रहे वनडे सीरीज के विजय रथ को आगे भी जारी रखा जहां भारतीय टीम ने अभी तक 47 मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें भारतीय टीम ने 31 जीते हैं तो वहीं 10 मुकाबले वेस्टइंडीज ने भी जीत लिए हैं। और वेस्टइंडीज की टीम को लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी तो वहीं साल 2006 के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत को सीरीज हराने में असमर्थ रही और इस बार भी कामयाब नहीं हो सकी तो वहीं अंतिम मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है जहां वेस्टइंडीज की टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी जहां ओपनिंग करने के लिए कायल मेयर और शाई होप की जोड़ी फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार है तो वहीं ब्रेंडन किंग, समारो ब्रॉक्स और कप्तान निकोलस पूरन तीसरे मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं तो वहीं रोमन पवेल और रोमारियो शेफर्ड से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी और साथ ही साथ हुसैन जोसेफ, मोटी और सील के साथ गेंदबाजी से अटैक करने की प्लानिंग रहेगी। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम में बदलाव संभव है जहां भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी जिसमें बल्लेबाजी में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा और बल्लेबाजी में शिखर धवन, शुभमन गिल पर पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी रहेगी तो वहीं मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन पर दारोमदार रहेगा और इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ही बेहतर है। साथ ही साथ फिरकी गेंदबाज के रूप में युजवेंद्र चहली खेलेंगे तो वहीं तेज गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल सकता है जहां मोहम्मद सिराज के साथ शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देंगे लेकिन आवेश खान को बाहर बैठाकर हर्षदीप सिंह का पदार्पण भारतीय टीम करा सकती है और एक बदलाव के साथ भारतीय टीम क्लीन स्वीप करने के लिए उतरेगी। तो वहीं भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में ही खेला जाएगा जहां पहले 2 मुकाबले खेले गए और ये मुकाबला 27 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा और इसका लाइव प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान फैन कोड ऐप पर देख सकते हैं और इस मुकाबले में भी विजेता टीम भारत ही हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम अंतिम मुकाबले में जीत दर्ज करके वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।